हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बल्किंग सप्लीमेंट स्टैक एट जस्ट ₹2000। जी हाँ दोस्तों, ₹2000 में आपका बल्किंग सप्लीमेंट स्टैक आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कम प्राइस में है। इसमें मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं रखा है, काफ़ी मैंने सिंपल सप्लीमेंट्स रखे हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें, और इन्हीं से आपको आपकी बल्किंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये ₹2000 का जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, और मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी हैं, मैं अपने साथ लाया हूँ, मैं आपको शो करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनको मैंने ₹2000 में आपके लिए चूज़ करा है। गो। तो यहाँ पे मैंने कुछ सप्लीमेंट्स रख रखे हैं, इनमें में से कुछ को मैं हटाऊंगा और आप देखेंगे, और आप उनको रख भी सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगे आपका थोड़ा सा अगर बजट ज़्यादा हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका सप्लीमेंट है आप देख करके आप समझ गए होंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास मसल ब्लेज का रॉ वे प्रोटीन। आपको लीन मास गेन करना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ आपको लीन मास गेन करना है, तो इसके लिए आपको रॉ वे प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और इसका प्राइस आपको पड़ जाता है अराउंड 1100 से 1200 के बीच में आपको पड़ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी सप्लीमेंट है, आपको चाहिए ही चाहिए। या तो आपके पास वे प्रोटीन आपको मिल सकता है वो ले लीजिए, नहीं तो ये रॉ वे प्रोटीन है, ये अनफ्लेवर होगा, इसमें कोई फ्लेवर नहीं मिलेगा आपको। और इसमें सर्विंग वगैरह ये 1.2 यानी मतलब 1 kg का है आपका, इसमें टोटल 33 सर्विंग मिलेगी आपको। तो ये हमारा हो जाएगा पहला सप्लीमेंट ₹2000 के उसमें। और दूसरा ये भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, उससे पहले हम देखते हैं ये है हमारा जो हमारा सेकंड सप्लीमेंट आता है वो है हमारा क्रिएटिन। क्रिएटिन आप सभी प्री वर्कआउट में यूज़ करते होंगे, काफ़ी लोग पोस्ट वर्कआउट में भी यूज़ करते होंगे। तो इसका जो यूज़ होता है वो ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे कि आपका वेट भी थोड़ा इंक्रीज रहता है और आपकी रिकवरी में काफ़ी मदद करता है। जो आप पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं, अगर जैसे आपने प्रोटीन शेक लिया उसमें आपने इसको ऐड करा, तो आपकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। जितना आपने प्रोटीन वगैरह है तो आपका मान के चलिए 90-95% वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वैसे भी होता ही है वर्कआउट के बाद, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और प्री वर्कआउट में यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, उनको पंप काफ़ी अच्छा आएगा, सोरनेस काफ़ी अच्छी होगी, और आपके जितना मसल्स के अंदर फ्यूल है वो सारा का सारा यूज हो जाएगा, तो इसीलिए आपको अच्छा पंप मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड। और जो हमारा लास्ट सप्लीमेंट आता है, इसको आप ऑप्शनल रख सकते हैं, ऑप्शनल है, इसको आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि आप बल्किंग कर रहे हैं तो इसमें आप हैवी लिफ्ट करेंगे तो उससे अपनी इंजरीज वगैरह को थोड़ा सा अपने जॉइंट्स को क्या कहते हैं फ्लूड आपके उसके अंदर फ्लूडिटी या लुब्रिकेसी रखने के लिए उसमें हम इसमें हमारा फिश ऑयल यूज़ करेंगे। तो ये भी मेरे पास मसल प्लेस का अवेलेबल है, मैंने इसकी रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये फिश ऑयल है, ये 1000 mg का है, मैंने इसको लिया है, ये मुझे अराउंड 600 के आसपास पड़ गया था। ये ऑप्शनल सप्लीमेंट है, इसको आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। अगर आप जैसे बल्किंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि जो भी आप ड्राइनेस हो जाती है जॉइंट वगैरह में, कई बार कुछ होती है, तो उसके लिए आप रख सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और भी हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे तो ये हो गया, अब आप ऑप्शनल इसको रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये ऑप्शनल रख सकते हैं आप। इसके ऑप्शनल में आप इसके बजाय क्या खा सकते हैं, इसके बजाय आप घी खा सकते हैं, घी यानी जो आपका होम में जो होती है काऊ घी, आप उसको खा सकते हैं। उसको भी आप रोज़ का 1 चम्मच अलग अलग चीज़ों में ला के, जैसे रोटी में, दाल में, आप उनमें सब में डाल करके आप उसको खा सकते हैं। जैसा कि अभी विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स में इसको खाने में घी को खाने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप घी को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो, अगर आप फिश खाते हैं तो इसकी तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं इस वाले सप्लीमेंट में। तो यहाँ पे सुपर गेनर, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मास गेनर हम यूज़ कर सकते हैं, तो मास गेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट रहेगा कि आप अपने जो नेचुरल फूड है उनसे आप अपने कैलरीज और कार्बोहाइड्रेट्स पूरे करें। इनको भी आप, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा, आप ये यूज़ करना चाहे कर लीजिए। अगर मैं कहूँगा तो मेरी तरफ से तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा रॉ वे प्रोटीन, क्योंकि आपको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है बल्कि प्रोटीन कैलरीज वगैरह सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन सुपर गेनर को आप एक तरह से ना लीजिए तो इस मेरी तरफ से तो आप ये परचेस कर सकते हैं। तो ये भी आप इसको लेना चाहे तो इसके बजाय ले सकते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें, आपको केवल कैलरीज ही कैलरीज मिलेंगी, प्रोटीन इसमें काफ़ी कम रहेगा। आपकी मसल ब्रेक होंगी तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत होगी ज़्यादा, तो उसके लिए ये ठीक है। पोस्ट वर्कआउट में आप ये ले सकते हैं, चाहे इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया बेस्ट बल्किंग स्टैक, या मान लीजिए बल्किंग स्टैक एट सप्लीमेंट बल्किंग स्टैक एट जस्ट रुपीज़।
2000, तो इसमें ये आपको पड़ जाएगा 1200 के आसपास ये पड़ेगा, और ये आपको पड़ेगा 600 के आसपास, 600 to 700 के आसपास आपको क्रिएटिन पड़ सकता है। और मैंने इसको आपको ऑप्शनल बताया है कि आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को मिला करके मेन जो हमारे हैं 1200 में, 1200 सॉरी 2000 में हमारा जो आता है वो है हमारा, ये दोनों चीज़ें हमारी आएंगी। तो इनको आप यूज़ करिए, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा बल्किंग में आपकी हेल्प करेंगी और आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।